मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदू हेरिटेज एक्ट 1955 HMA, जो नॉर्मल भाषा में लोग जो बोलते हैं, अधिकतर जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं वो HMA सेक्शन 13B अर्थात की आपसी समझौता करके आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए प्रावधानिक धारा है HMA हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, मैं आपको बताने जा रहे हैं कि अक्सर नॉर्मल सामान्यतः लोग जो है सामाजिक तौर पर साधारण कागज पे या फिर नोटरी किए हुए स्टाम्प पे या फिर साधारण स्टाम्प पे लिख करके दो पति पत्नी का अगर आपसे तलाक होता है आपसे समझौते से या सामाजिक तौर से, तो इस चीज़ को कानून नहीं मानता है। कानून का आशय ये है कि अगर ऐसा कोई तलाक होता है या आपसे समझौते से दोनों पति पत्नी अलग होते हैं तो उसको कानून की दृष्टि में अवैधानिक या शून्य करार माना जा सकता है कोर्ट के नज़रिए से। जब तक दोनों पक्ष आपस में राजी है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों पक्षों में अगर विवाद होता है तो सरकार और कोर्ट इससे आपसे समझौते को जो तलाक के संबंध में है उसको कभी नहीं मानती है। तो साधारण रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपसी सहमति से अगर तलाक करवाना है तो सेशन न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में इसका आवेदन HMA 13B के तहत करके आपसी समझौते के तहत तलाक दिया जा सकता है। और अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर ऐसा तलाक जो सादा पेपर पे, साधारण कागज़ पे या पाई पेपर पर या फिर आपसी जो समझौता करके या नोटरी किया हुआ स्टाम्प पे या ओथ के द्वारा अगर कोई तलाक करवाता है तो वो शून्य करार होकर के अवैधानिक माना जाता है। सरकार और कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पति पत्नी आपस में अगर तलाक लेना चाहता है आपसी सहमति से तो HMA सेक्शन 13B के तहत कोर्ट में लीगल एक्सपर्ट के साथ आवेदन करके तलाक ले सकते हैं। ये साधारण रूप से आपसी सहमति से होने वाला तलाक है। इसके अलावा HMA में बहुत सारी सेक्शंस हैं, हमने अभी आपको 13B के बारे में बताया है। 13B जो सेक्शन है, आपसी सहमति से कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है जो सेशन न्यायालय या पारिवारिक न्यायालय के तहत आवेदन करके डिग्री प्राप्त की जा सकती है, निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।